हेलो एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। सो आप सभी के तरफ से बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो कि आइडेंटिफाई की जा रही है बोर्ड्स द्वारा, डिफरेंट मीडिया हाउसेस द्वारा, आर्टिकल्स के थ्रू जो है रिपोर्टिंग्स हो रही है, आप लोगों की तरफ से कंप्लेन आ रहे हैं। एंड रैदर मेरे प्यार दोस्तों, रिव्यूज जब हो रहा है ऑब्जर्वर द्वारा सीबीएसई का, तो उसमें भी ये चीज सामने निकल कर आ रहा है कि बच्चों के लिए टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि साइंस में बच्चों के साथ हुआ, जो कि फिजिक्स क्लास 12 के साथ हुआ, तो एक डर का पैनिक सिचुएशन स्टूडेंट के लिए बन चुका है। तो क्या हम फेल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? जो भी अब तक आप लोगों ने दिया है, जो आपने फेस किया है, इसी के ऊपर है ये वीडियो। बहुत छोटी है और बहुत ही रिलैक्स कर देने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे जरूरी है। आप बोर्ड स्टूडेंट है, अपडेटेड भी रहना और सब कुछ यहां से जान लेना इस चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, मैं आप लोगों को आए दिन पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो देते रहता हूं, बताते रहता हूं, समझाता हूं किस तरीके से मार्किंग होती है, अगर आपने इतना लिखा है तो कितना मार्किंग मिल सकता है, किस तरीके से पास कौन होगा, फेल कौन होगा, इसका पूरा पूरा जवाब वही स्टूडेंट दे सकता है जिसने लिखा है। बट यहां पे एक तो सस्पेंस है कि बहुत सारे बच्चे जब इस स्टेज पर रहते हैं कि मैं फेल हो सकता हूं, बट एट द एंड जब उनके पास उनका रिजल्ट आता है, वो पास ही रहते हैं। अब इसमें बहुत सारे रूल है। मैंने आपको क्या कहा था पिछले वीडियो में कि पासिंग रूल अगर देखोगे तो सीबीएसई का बहुत सारे पासिंग रूल्स हैं। आपको समझने में बहुत दिक्कत आ सकती है कि कैसे मार्क्स मिला, कहां से मिला, मैं कैसे पास हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं जो आपको बेसिक चीज बता रहा हूं उसे समझिए, और इसके बाद आपको पता है कि आपके जो एग्जाम्स वगैरह होने वाली हैं उसमें भी आप लोगों के लिए टेंशन का माहौल रहेगा, बिकॉज हार्ड पेपर हो गया। तो अब देखो, आपने कुछ नोटिस किया कि आप जब भी पेपर देके आते हैं और अगर वो हार्ड होता है तो आपका ऑब्जर्वेशन टीम सीबीएसई का तुरंत कंप्लेन कर देती है। ये कंप्लेन इसलिए किया जाता है कि सीबीएसई का ऑफिशियल मॉडरेशन पॉलिसी रूल कहता है कि अगर बच्चों को हार्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हम लोग कॉपी चेकिंग इजी वे में करेंगे, अलग रूल से उनको मार्किंग देंगे, अलग तरीके से नंबर देंगे। तो क्या है, तो मैं जो आपको एक कंडीशन बता रहा था कि जब भी बच्चों को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो पास हो जाते हैं। लेकिन हम ऑन एन कंडीशन नहीं रहना चाहते हैं, मेरी बात सही है कि नहीं? आप कंडीशन पे नहीं रहना चाहते हैं, स्टूडेंट कभी कंडीशन नहीं पे कभी नहीं रहेंगे। जी हाँ, पास करूंगा कि नहीं, होऊंगा कि नहीं, ये सब हमें फैक्टर नहीं चाहिए। वी वॉन्ट क्लियर आंसर, वी वॉन्ट कि हम लोग क्लियरली पास हो। तो पेपर्स खराब जा रहे हैं, और अगर मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई का ये रूल है, वो रूल है, हाँ, फिर भी आप डिसअपॉइंट रहेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम पे कोई मेहरबानी करके हमें पास नहीं कराना है भाई, हमें अच्छा रिजल्ट भी तो चाहिए, है ना? तो अगर पेपर हार्ड हो जा रहा है तो इसका जस्टिस क्या है? ठीक है, वहां पे लाखों रूल है, हम पास हो सकते हैं, और सीबीएसई का जो ये जो भी रूल है, हम पास हो जाएंगे, चलो ये तो टेंशन है। बट जो खराब चले गए हैं पेपर्स, उसका क्या? देखो, कॉमन आंसर्स वो दे देंगे टीचर्स, जो कॉपी चेक करेंगे, बच्चा पढ़ा नहीं था इसीलिए ये पास नहीं हुआ। अपने ऊपर कोई गलती नहीं लेता है, बोर्ड भी नहीं लेगी। लेकिन एक चीज आप समझ के रखो कि आप फेल नहीं होंगे। अगर आप लोगों ने देखो, कोई बच्चा तो बोर्ड्स में शायद ही खाली पेपर छोड़कर आता हो, सभी बच्चे पूरा लिखते हैं, पूरा लिखने का कोशिश करते हैं, कंप्लीट लिखा जाता है, उसके आपको मार्क्स सीबीएसई देती ही है, ये पता है। सीबीएसई ने अपने रूल में कहा है कि क्वेश्चन पेपर अगर आपको हार्ड देंगे तो वो उनका प्रायोरिटी होगा, आपका नहीं, कि आपको किस तरीके से पास कराना है। एक और पॉइंट उसमें रखा गया है कि ईयरली बेसिस पर परसेंटेज ऑफ पास, मतलब अगर 2020 में, मान लो 2022 में अगर 90,000 बच्चे पास हुए थे, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो इस साल कम से कम मैक्सिमम 5,000 ज्यादा 95% स्टूडेंट पास होने चाहिए। क्लियर है? तो आपका जो भी पेपर मेरे प्यारे दोस्तों हो जा रहा है, होने के बाद से आपको ऐसा लग रहा है, देखो सिस्टमैटिकली काम हो रहा है कि नहीं, आपको हार्ड पेपर लगा, कंप्लेन रजिस्टर हो चुके हैं आर्टिकल्स में, ऑब्जर्वेशन टीम ने रिपोर्ट कर दिया है सीबीएसई को, आप सीबीएसई इसको समझे, क्योंकि भाई आपका रूल्स रेगुलेशंस भी कहता है ये, तो फेल नहीं कराएंगे आपको, मार्किंग मिल जाएगी अच्छे से। बट हाँ, आप अगर डिसअपॉइंट रहेंगे कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, तो उसका भी हल सीबीएसई रखी है। मैंने क्या कहा कि वो आप खुद पे नहीं लेंगे कभी भी, वो आपको कहेंगे कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दीजिए, और आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम लेंगे वो, और आप पास होंगे, आपके अच्छे एग्जाम चले जाएंगे, परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा कंक्लूजन मैंने दे दिया कि क्या हम फेल हो सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी हमने दिया है, तो इसका जवाब है नहीं। पासिंग रूल बहुत सारे, आपको पता है, कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए है, देन प्रोजेक्ट मार्क्स ऐड होते हैं पास करने के लिए, एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस होते हैं पास करने के लिए, बहुत बार मैंने आपको बता रखा है और बताते रहता हूं। तो वीडियो कैसे लगी है कमेंट में बताना, रिलैक्स हुए हो वो भी बताना, और एक चीज, आज सुबह बरात है,
तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। दूसरी, आप सभी लोगों को होली की भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से खेले और मेक श्योर आप खुद का ख्याल रखें, बिकॉज एग्जाम में अगर कुछ हो गया तो एग्जाम भी गया और आप भी गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।